शुरू हो गई है नीट और JEE की तैयारी, अगर नहीं तो शामिल हो जाएं द नॉलेज गेट, वन ऑफ द बेस्ट एकेडमिक कोचिंग इंस्टीट्यूट इन मुंब्रा कौसा, अफोर्डेबल फीस के साथ। सेपरेट बैचेस फॉर गर्ल्स, ऑडियो वीडियो रूम, डिजिटल सिलेबस और लाइब्रेरी। 8-12 कॉमर्स एंड साइंस। इसके अलावा IT ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट भी है। यू डिजर्व द बेस्ट कंप्यूटर एजुकेशन, तो आज ही इनरोल करें द नॉलेज गेट इंस्टीट्यूट में। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। आपको बता दें, टोरेंट पावर के तरफ से जो PD के बकायेदार है उनको तीसरी नोटिस भी जारी कर दिया गया है। टोरेंट पावर के तरफ से प्रेस नोट जारी किया गया है और बाकायदा कहा गया है कि तीसरी नोटिस जारी की गई है PD बकायेदारों के खिलाफ, और इसके बाद भी अगर वो PD बकाया बिल जो है नहीं जमा करते हैं और चोरी की अगर बिजली इस्तेमाल करते हैं तो उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। टोरेंट पावर के खिलाफ MIM पार्टी रमजान से पहले ही भूख हड़ताल पर बैठी थी कई मांगों को लेकर, जिसमें एक मांग उनकी PD की भी थी कि PD जो है बकायेदारों को किस तरह से राहत दिलाया जाए। सैफ पठान हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करेंगे। सैफ भाई, आपने जो है विरोध पर भूख हड़ताल किया था, तीसरी नोटिस भी जिस तरह से आपने मांग की थी, तीसरी नोटिस भी अब जारी हो गई है और 6,000 लोग ऐसे हैं जिनका PD बकाया है, लेकिन टोरेंट पावर की तरफ से ये कहा जा रहा है कि कुछ ही लोग अब तक जो है उनसे संपर्क किए हैं 6,000 में से, और तीसरी नोटिस भी जारी किया गया है। साफ तौर पर कहा गया है प्रेस नोट में कि उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी जो लोग चोरी की बिजली इस्तेमाल कर रहे हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। देखिए कि जैसा आपने बताया कि टोरेंट की तरफ से जो प्रेस नोट आया, अभी आपने मुझे अभी बताया, मैंने अभी देखा है, वाकई में काफ़ी यानी फिक्र की बात है। हमारे लोगों को समझना होगा कि एक आज हम लोगों के पास एक रास्ता है, अल्टरनेट है हमारे पास। आज MSEDCL के ऑफिसर्स हमारे वहाँ आ करके पिछले 4 हफ्ते से बैठ रहे, मेरे ख्याल से इस बार 14 हफ्ता था उनका, और आप देख रहे हैं किस तरीके से MIM की टीम भी पूरा वहाँ मौजूद रहती है, हमारे लोग पूरे वहाँ मौजूद रहते, लोग वहाँ पर आते हैं अपनी बात रखते, तो लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में वहाँ आकर के अपनी बात रखनी होगी। क्योंकि अभी मैंने आपके प्रेस नोट पढ़ी तो उसमें उसने वापस से जिक्र किया है कि जो लोगों ने अभी भी नहीं किया वो हरियन अपार्टमेंट MSEDCL के ऑफिस जाके करें। और मैं आपको एक बात बताऊं कि मेरी MSEDCL के ऑफिसरों से बात हुई है, उन्होंने कहा है कि साहब भाई, जितने उपभोक्ता हमारे पास आते हैं हम उनकी डिटेल्स फौरी तौर पर सेम डे हम टोरेंट को भेज देते कि इनका CPL करने हमारे पास आया है, अब हमको जितना भी वक्त लगे वो हमारा है, आप इनको उस दौरान कार्रवाई नहीं करिए। जैसा कि अभी उसने आप बता रहे हो कि तीसरा नोटिस भेजाकर जो उपभोक्ता वहाँ पर MSEDCL के ऑफिस ऑलरेडी पहुँच चुके, तो इंशाल्लाह ताला उन पर कोई कार्रवाई नहीं होगी, और जो लोग नहीं पहुंचे उनसे मेरी रिक्वेस्ट है, मैं हाथ जोड़ करके रिक्वेस्ट कर रहा हूं आपके माध्यम से कि वो जल्दी पहुंचे। नोट जारी किया है उसमें साफ तौर पर बताया गया है कि 6,000 लोग ऐसे हैं लेकिन उसमें से कुछ ही लोग पहुंचे हैं। जी, मैं भी वो जा ही नहीं रहे। देखिए, वो तो हम भी समझते हैं, एक तरफ आप जो है शहर के लिए खड़े हो रहे हैं लेकिन जिनका बकाया है वही नहीं जा रहे हैं। नहीं, मसला क्या हो गया कि आपको पता होगा कि जो पिछले तीन हफ्ते जो बैठे थे उन लोग वो थे रमजान के हमारे, शायद इस वजह से तो थोड़ा दूर तक नहीं आते थे। इस बार हम लोग गए थे, इस बार ज्यादा तादाद में लोग वहाँ मौजूद थे। ये मंडे आपको पता था बैंक हॉलीडे का मंडे बंद था उनका, तो लोग ट्यूजडे वेनसडे थर्सडे बैठे, 3 दिन बैठे इस बार 2 दिन की जगह, और अल्हम्दुलिल्लाह तीनों दिन काफी तादाद में लोग थे। इस बार उम्मीद हम लोग वापस से आपसे अपील कर रहा हूँ आपके जरिए, जो 6,000 उपभोक्ता उनसे अपील कर रहा हूँ कि आप मंडे को पहुंचे वहां पर, हमारी टीम रहेगी, आप वहां पहुंचे ज्यादा से ज्यादा तादाद में अपना CPL करने दीजिए ताकि जो नोटिस आया इस पर आपके कोई कार्रवाई ना हो। इस दौरान आपने जब भूख हड़ताल किया था तो उस दौरान ये भी कहा था कि रमजान का महीना है, टेम्प्रोरी बेस पे वह अरिहंत में जो है महावितरण की ऑफिस खोली गई, रमजान भी चला गया अभी तक मुंब्रा में ऑफिस नहीं महावितरण का खुला, क्यों नहीं खुला आखिर जब वहाँ पर टेम्प्रोरी बेस पे था, इतने दूर लोग कैसे जाएंगे? मुंब्रा कौसा के लिए आपने मांग की थी तो ऑफिस मुंब्रा कौसा में होना चाहिए, ना कि इतना किलोमीटर दूर होना। देखिए, इसके दो रीजन है, एक तो मैं आपको बताऊं कि हमसे जब मेरी बात हुई तो उन लोगों ने हमको बताया कि हमने अप्रूवल के लिए डाला ऑलरेडी, और आपको पता है कि उनके वहाँ पर अप्रूव होना, फिर वो जगह देखना और करने, उन्होंने हमसे कहा था कि रमजान बाद हम देखेंगे, और हमने भी कुछ जगह सजेस्ट किए उनको कि आप यहाँ पर देखेंगे, लेकिन भारत गेट के पास उनके कोई ऑफिस है उसमें उन लोग ओपन करना चाहते, वो अप्रूवल के लिए रुके, इंशाल्लाह वो हो जाएगा। और दूसरी बात ना, उन लोगों का ऐसा कहना कि सैफ भाई, अरिहंत अपार्टमेंट आपके लिए दूर है लेकिन हम लोग के तो विभाग के अंदर ही है, वो जो शील दीवा और मुमरा कलवा जो है विभाग,
उसके अंदर ही बोले अंतर्ग्रह फिर भी ठीक है, हम भारत घर पे भी मुमरा वासियों के लिए खोल रहे इंशाल्लाह जल्दी खुलेगा, उम्मीद है कि आने देखिए जितना जल्दी हो सकता है उसके विभाग में है। लेकिन जिस तरह से मुमरा के लोग परेशान है उस तरह से आपको दीवा में भी नहीं मिलेगा और भी जो इलाके वहां नहीं मिलेगा, तो आप लोग मुमरा में भूख हड़ताल की है ना, तो कहाँ खुलना चाहिए? नहीं, नहीं, दीवा में भी देखो काफी लोग लोगों की मांग के लिए दीवा में खोलो भाई, दीवा के लोग मांग करते हैं दीवा में खोले, मुमरा के लोग मांग करें एक ऑफिस खुलवाने के लिए, मुमरा में एक ऑफिस खुलवाने के लिए 10 दिन भूखा रहना पड़ा, अब वो दूसरा ऑफिस खुलवाने के लिए कितना दिन भूखा रहना पड़ेगा आप सोचो, ये इतना आसान नहीं था जितना आसान आप सोच रहे। वहाँ आज MSEDCL का ऑफिस यहाँ आना, इसमें भी काफी सोर्स लगाए गए कि वो ऑफिस ना खुले, फायदा नहीं मिल रहा है ना उससे, क्या फायदा हो रहा बताइए? मैं आपको ऐसा लग रहा है लोग जा नहीं रहे ना वहाँ, लोग नहीं जा रहे, फायदा उठा नहीं रहे, ये बोलिए आप, फायदा उठाना चाहिए लोगों, हमको ये फिक्र है कि बहुत दूर है नहीं जा रहे। अरे भाई दूर तो आप 1.5 लाख रुपया 2 लाख रुपया भर दोगे और दूरी के चक्कर में बचोगे, ये कैसी बात है? आपको 20 रुपया लगता होगा हार्डली रिक्शा का यहाँ से जाने में, हम जाते 20 रुपया रिक्शा का लगता है हमारे जाने 20 रुपया आने, लेकिन हाथ का अगर 1.5 लाख का बिल, आप सोचिए वहां पर एक बंदा आया उसका 1,17,000 का बिल कहाँ, उसको 1,500 भर के खत्म हो गया मामला, तो वैसा आपका जब सॉल्यूशन निकलेगा। अभी आप बता रहे हो अभी काफी तादाद में वहां पर लोग जाने लगे, मैं आप मेरे अधिकारी की ना कल बात हुई, मेरे अधिकारी ने मुझे फोन करके रिक्वेस्ट किया कि साहब भाई आप अपील करिएगा जो पुराने लोग आए थे हम उनका CPL प्रोसेस में हमारे पास, उनको वापस मत आने बोले, नए लोग को आने बोलिए कि आप काफी नए लोग आ रहे हमको परेशानी हो रही, उनको पुराने लोग को भी अटेंड करना, नए लोग को भी हम अटेंड करेंगे। मैं आपके माध्यम से इसके लिए बता रहा हूँ ना कि जिन लोगों का CPL के लिए उन लोगों ने ऑलरेडी ले लिया है उन लोगों पे कार्रवाई नहीं करेगी टोरेंट, ये मुझे अधिकारी ने कहा है और मैं ऑन कैमरा कह रहा हूँ, उनका जो JE है अजय बसकस्तर उनने मुझसे कहा है कि जिन लोगों का CPL के लिए हमने यहाँ पर दिया है उनका यहाँ उन पे हमने टोरेंट को इन्फॉर्म कर दिया कि ये कंज्यूमर नंबर है और ये कंज्यूमर हमारे पास आए अपने CPL के लिए, इन पे कोई भी आप एक्शन नहीं लेना जब तक हम पूरा इसको उठाना नहीं। हिसाब से वहां पर कितने लोग अब तक गए होंगे? 6,000। देखिए तादाद तो काफी कम है, वो फिक्र की बात है 6,000 लोग नहीं पहुंच पाए। मैं आपके माध्यम से हमारे लोगों को और अपील करना चाहूंगा कि आप लोग जो भी टोरेंट पावर से अगर आप वहां नहीं गए और टोरेंट पावर में अगर कोई चीज के लिए गए, आपने मीटर के लिए अप्लाई किया है मीटर अभी तक नहीं मिला है, तो उसका रिटर्न एप्लीकेशन दीजिए टोरेंट को, क्योंकि टोरेंट आपको नोटिस पे नोटिस लीगल भेज रहा है और आप क्या करते हो आप ये नोटिस के बाद वर्बली जाते हो टोरेंट के ऑफिस पे, हमको नोटिस आया क्या करना चाहिए बात करके आ जाते हो। आपने अगर वहां पर देखे 6,000 उपभोक्ता में से मैं समझता हूँ ना कि यानी 6,000 लगभग 6,000 लोगों ने वापस मीटर के लिए अप्लाई कर चुके हैं कि हमको मीटर दिया जाए, टोरेंट ये मीटर नहीं दे रहा ये बोल करके आपका PD बकाया, तो आप लोग भी लेटर दीजिए क्या हमारा जो बकाया वो जब हमारा MSEDCL से क्लियर में, अगर दोनों PD बकाया है मीटर नहीं लगा है चोरी का बिजली इस्तेमाल कर रहे हैं तो उनके ऊपर अब गुनाह दाखिल होगा, तो ये गुनाह दाखिल नहीं होना चाहिए। हम लोग यही तो बात कर रहे हैं, हमने MSEDCL ऑफिसर से भी ये बात की और हमने इस बार यानी, लेकिन आप उसको कैसे कैसे रोकोगे अगर चोरी पकड़ी जा रही है बिजली की, तो गुना दाखिल करने से आप कैसे रोकोगे? नहीं गुना दाखिल नहीं होना चाहिए, मैं आपको ये बता रहा हूँ ना, मेरा अगर आपसे सुनिए आप प्रोवाइडर हो, किसी ने बिजली चोरी किया है चोरी इसको चोरी थोड़ी बोलते, मैं आपको क्या बोल रहा हूँ सुनो मेरी बात, ये हमारी बेसिक नीड्स है, आप अंधेरे में रह सकते हो क्या? आप अंधेरे, एक सर्विस प्रोवाइडर का काम है कि अगर उससे कोई उपभोक्ता मीटर के लिए अप्लाई कर रहा है कि आप मुझे मीटर दीजिए नहीं दे रहा है तो मजबूर होकर क्या करेगा? नहीं, जिसने अप्लाई किया है और हाँ, वो नहीं दे रहा है हाँ, उसके ऊपर नहीं कर सकते ठीक है, लेकिन जिसने अप्लाई भी नहीं किया है हाँ, तो वो चोर है, फिर वो टोरेंट जो करना चाहे हम उसके बीच में नहीं बोलेंगे, अब अप्लाई भी नहीं किया है और वो तो फिर वो तो फिर गलत ही है, देखो गलत का साथ तो हमने अगर अप्लाई किया है और नहीं दे रहा तो हम उसके खिलाफ बोलेंगे कि टोरेंट की गलती, अगर उसने अप्लाई कर रहा है तुमसे खुद मांग रहा है मीटर को तुम नहीं दे करके और उसकी बेसिक नीड्स है, अगर उसको लाइट मिलना उसकी बेसिक नीड्स है उसको नहीं मिल रही है तो बेचारा कहीं से अंधेरे में रहेगा नहीं, क्योंकि घर में बीमार है, बच्चों के पेपर थे बीच में घर में बीमार है तो कैसा रहेगा? तुमसे बार बार आकर बोल रहा है कि मैंने मीटर के लिए अप्लाई करा आप दे दो तो आप नहीं दे रहे वो आपकी फॉल्ट है, आपका अगर बकाया MSEDCL का है ना आप रनिंग बिल लीजिए ना उससे, वो MSEDCL से CPL करके क्लियर करेगा उसको, हम तो यही मांग नहीं कर रहे ना, हम तो घड़ी घड़ी यही बोल रहे ना कि वो MSEDCL से करके करेगा, आप उसको यानी ये दीजिए मीटर प्रोवाइड कर दीजिए, अभी वो करंट बिल उसको आने दीजिए, वो करंट बिल भरेगा, वो करंट बिल भरेगा अपना, हम तो बोल रहे ना उसके खिलाफ हम हाँ, लेकिन जैसा आपने बताया कि ना वो कोई मीटर के लिए अप्लाई कर रहा है या कोई यानी डायरेक्टली यूज कर रहा है उसको मीटर भरना लगाना भी नहीं और चोरी की वापरने, तो वैसे लोगों के लिए ना हम बोलेंगे बीच में ना हमको वैसे लोगों से कोई यानी मतलब है, वो गलत है, फिर टोरेंट उनके जो कार्रवाई करे वो टोरेंट का, हम MSEDCL से यही बात कर रहे हैं कि टोरेंट के पास जिन लोगों ने अप्लाई किया है
उनको मीटर लगा के दिया जाए। भाई आप लोग तो तमाम मुद्दों को लेकर भूख हड़ताल किए, लेकिन अब जिस तरह से तीसरा नोटिस भी जारी हुआ है, अब आगे आप लोगों का क्या स्टैंड रहेगा? क्या आप लोग अभी भी भूख हड़ताल आंदोलन वगैरह करेंगे? क्या स्टेप रहेगा? देखिए आप जानते हैं कि सिर्फ MIME एक ऐसी पार्टी है जो टोरेंट के खिलाफ 2019 से, टोरेंट आने से पहले से हम लोगों ने उसके खिलाफ थे, हमने भूख हड़ताल की। आपको याद होगा मैंने हैदराबाद से डिक्लेयर किया था कि मैं वापस आकर के भूख हड़ताल करूंगा जो मैंने की, और हमने उतने टाइम भी डिक्लेयर किया है कि अगर जो हमारी मांगनी है वो पूरी नहीं की गई। अभी हम टेम्पररी उठ रहे, लोगों ने हमसे महीने भर में 2 महीने का टाइम मांगा है, हम उठ रहे, हम 2 महीना रुके हैं, महीना गुजर चुका है, अब 1 महीना देखेंगे, अगर उसमें दुरुस्ती नहीं हुई, हमने काफ़ी ऐसी मांगनी की जो पूरी नहीं हुई, तो इंशाल्लाह MIME आगे भी इसके खिलाफ भूख हड़ताल करेगी टोरेंट पावर के खिलाफ। अगर ये जुल्म होगा लोगों को मीटर उन लोगों ने अप्लाई करने के बाद उन पे केस बनेगा ये बनेगा, तो हम इसके खिलाफ रोड पे उतरेंगे, हम करेंगे, हम भूख हड़ताल भी करेंगे, हम धरना आंदोलन भी करेंगे, और मैं आपके माध्यम से डिक्लेयर कर रहा हूँ कि बहुत जल्द MIME इसके खिलाफ वापस भूख हड़ताल पे आएगी टोरेंट पावर के जुल्म के खिलाफ। तो आपने सुना तीसरी नोटिस जो है जो PD के बकाया है 6000 लोग, हालांकि टोरेंट पावर की तरफ से कहा गया है कि मात्र कुछ ही लोग जो है अब तक बकाया बिल का हल करने के लिए पहुंचे हैं उनके ऑफिस पे, लेकिन तीसरी नोटिस जारी हो गई और जो लोग चोरी की बिजली इस्तेमाल कर रहे हैं PD बकाया में से, उन लोगों पर अब कानूनी कार्रवाई भी टोरेंट पावर की तरफ से की जाएगी।